नमस्कार दोस्तों, एसीसी वुमेन एशिया कप 2024 का छठवां मैच जो कि भारतीय महिला दल और यूए की महिला दल के बीच में हुआ। आज यूए की महिला दल ने पहले टॉस जीतकर बोलिंग का सिद्धांत लिया था और बेहतरीन बैटिंग किया था और इस सिद्धांत पर बिल्कुल खुशी हुआ भारतीय महिला दल के कप्तान हरमनप्रीत कौर। और भारतीय टीम डम्बुला के बेहतरीन बैटिंग विकेट पर पहले बैटिंग करते हुए बहुत बड़ा स्कोर बनाया। निर्धारित 20 ओवर पर 201 रन 7 विकेट खोकर भारतीय महिला दल बना लिया और 202 रन का पीछा करते हुए यूनाइटेड एमिरेट्स यानी कि यूए की महिला दल बिल्कुल उसका पीछा नहीं कर पाया और निर्धारित 20 ओवर पर वो 130 रन 7 विकेट खोकर बना लिया है। और भारत ने इस मैच को बहुत बड़े मार्जिन यानी कि 78 रन से इस मैच को भारतीय महिला दल ने जीत लिया। तो दोस्तों ये है फाइनल स्कोर, आप यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय टीम ने बेहतरीन जीत हासिल कर लिया, 78 रन से जीत हासिल कर लिया। और इस मैच आप देख सकते हैं रनगिरी डम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला गया है और इस मैच में बेहतरीन बैटिंग किया है ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर ने। ऋचा घोष ने बेहतरीन बैटिंग किया, ऋचा घोष ने 64 रन बनाया 29 गेंद पर, उनको प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि मैन ऑफ द मैच ऋचा घोष को घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर आप भारतीय महिला दल की बैटिंग की परफॉर्मेंस यहाँ पर देख सकते हैं, पूरे लिखा चुका यहाँ पर है। और यहाँ पर आप यूनाइटेड एमिरेट्स यानी कि यूए की बॉलिंग की परफॉर्मेंस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यूए की वुमेन टीम्स का यहाँ पर बैटिंग का परफॉर्मेंस, यहाँ पर महिला दल का बैटिंग का परफॉर्मेंस देख सकते हैं और भारतीय महिला दल का बॉलिंग का परफॉर्मेंस भी यहाँ पर आप बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं। तो ऐसे करते हुए भारतीय महिला दल इस मैच को बेहतरीन जीत हासिल कर लिया और पाँचवा जो मैच है इस मैच पर 78 रन से ग्रुप स्टेज का ये मैच जीत लिया। और भारत का जो सेमीफाइनल का दौरा है वो भी काफ़ी आसानी से भारतीय दल सेमीफाइनल पर भी इस जीत के साथ साथ भी पहुंच गए। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।